अभी हम लोग इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में हैं और यहाँ पे योगी जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जनसभा है, जो कि जनसभा को संबोधित करेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं उनका मंच सज चुका है, आने की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है और ये भीड़ अभी इकट्ठा हो रहा है। ये भारी जुलूस योगी जी के समर्थन में आप देख सकते हैं, अभी योगी जी आने वाले हैं अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद धारानगर में। अब मैं योगी जी से यही मांग करता हूँ कि मोहम्मदाबाद का नाम बदल कर धारानगर रखा जाए, हर जगह चेंज हो रहा है, यहाँ भी नाम बदला जाए। जय श्री राम। बुलडोजर बाबा की बुलडोजर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पे बहुत ही भीड़ और ये देख सकते हैं आप बाबा का बुलडोजर, जो कि इस बुलडोजर से बाबा ने बहुत सारे अपराधियों का घर तोड़वाया है, घर गिरवाया है। और ये भीड़, ये मंच सजा हुआ, हमारे बाबा के आने का इंतजार हो रहा है जोरों शोरों से। यहाँ पे जनता की हुई भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ही काफी जनसंख्या में यहाँ पे मोहम्मदाबाद के लोग इस जुलूस को संपन्न करने में लगे हुए हैं। मंच भगवा सज गया है पूरा। सब धन्यवाद। भारत ने कहा भैया हिंदुस्तान या दुनिया में आम आदमी की एक ही कि कोई भूख से न मरने पाए, भगवान ने कहा वो व्यवस्था आपके जनता पार्टी के प्रत्याशी
अरे मर्दे सुनो जा, जयपाल जी, अमरीश राय जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों और अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अहमदाबाद के धारा नगर कर दो बाबा, मैं क्रांति की धरती को देश के अंदर अपना बलिदान देने वाले भारत माता के कोटि-कोटि नमन करते हुए आप सबका कैसे अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये धरती महाराज गांधी की धरती है, जिनके सुयोग्य पुत्र महर्षि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने भविष्य के भारत की एक नींव और राम राज्य की स्थापना की नींव रखी। याद करिए, उस कालखंड में राष्ट्र रक्षा के लिए अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण की अहमियत क्या है, इसको अगर पहली बार किसी ने समझा था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमने गाजीपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खोला है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम पहले महर्षि विश्वामित्र जी के नाम पर रखा है। तक बनी रहे और यहाँ पर आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भाइयों बहनों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 5 चरणों के पहले सम्पन्न हो चुके थे। 6वें चरण का चुनाव, 7वें चरण में 7 मार्च सरकार के लिए हमें गाजीपुर जनपद की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर उनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की तरफ लड़ा है। ये सभी 7 सीटों पर विजयी बना के भेजेंगे। 7 सीट है, 7 में चुनाव है।